हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आज मंथली एक्सपायरी का दिन था, काफ़ी चॉपी मार्केट हमें देखने को मिला। एक और खबर आ रही है कि जो अभी लॉकडाउन चल रहा है वो आगे कंटिन्यू हो सकता है, तो इसके मद्देनज़र बाजार में और थोड़ी सुस्ती देखने को मिल सकती है। अभी चलते हैं, आज का रिव्यू करते हैं आज के एनालिसिस का, और उसके बाद कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर हो सकता है वो आइडेंटिफाई करेंगे। ये आज का चार्ट है 5 मिनट का, निफ्टी इंडेक्स का कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 15,323, उसी के पास एग्जैक्ट ओपन हुआ, रेजिस्टेंस फेस किया, टूवर्ड साउथ की तरफ आया तो ब्रेकडाउन लेवल के पास 15,281 के पास एग्जैक्ट सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ। फिर से कुछ समय यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल को पेनेट्रेट किया, जैसे ही ब्रेक हुआ फर्स्ट टारगेट 15,343 अचीव्ड हुआ और सेकेंड टारगेट भी ऑलमोस्ट अचीव्ड हुआ, इसी के पास रेजिस्टेंस लिया और फिर से दोबारा जब आया नीचे तो ये ब्रेकडाउन लेवल को फिर से एज अ सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक हुआ और सेकेंड टारगेट के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो काफ़ी एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल इस समय साबित हो रहे हैं। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसके लिए 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, काफ़ी क्लियर पिक्चर वहाँ पर दिखाई दे सकता है। ये 60 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। अभी लास्ट ये जो कैंडल बनाया है वो अगर देखें तो ये मॉडरेट बुलिश है, ना ही स्ट्रांग बुलिश है ना ही वीक बुलिश है। यहाँ पर काफ़ी लंबा टेल छोड़ दिया है ऊपर की तरफ, तो कहीं ना कहीं 15,300-350 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, हमने डेली चार्ट पर देखा है। ये जो लाइन है ऑल टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल के आसपास, यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स जो है काफ़ी तकलीफ महसूस कर रहा है, बुल्स को काफ़ी फाइट करनी यहाँ पर पड़ रही है। तो आज का अगर कैंडल भी देखें, डेली चार्ट का कैंडल, एक डोजी जैसा कैंडल स्टिक बनाया है, तो जब जब डोजी कैंडल आता है तो एक ट्रेंड रिवर्सल का प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं कि जब जब डोजी आए तो हो सकता है एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिले या फिर कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे। तो डोजी का हाई और लो एज अ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हम लोग मान के चल सकते हैं। तो अभी फिलहाल चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है कल के लिए। कल अगर निफ्टी इंडेक्स 15,363 के ऊपर सस्टेन करे तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा 15,383, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा जो कि आज का डे हाई है, और नेक्स्ट टारगेट होगा 15,401, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आए निफ्टी इंडेक्स तो आज का लोएस्ट क्लोजिंग लेवल जो बन रहा है 60 मिनट के चार्ट में, आर्ली चार्ट में लोएस्ट क्लोजिंग लेवल वो अराउंड 15,300 के पास है, तो ये अगर ब्रेक होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15,281, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यानी 20 EMA के आसपास, और सेकेंड टारगेट होगा हमारा 15,266, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल्स है कल के लिए यानी 20 May। अभी चलते बैंक निफ्टी के आर्ली चार्ट पर, ये बैंक निफ्टी का आर्ली चार्ट है, यहाँ पर स्विंग हाई लो हमें मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करें इस तरह से, ये स्विंग हाई लो को पकड़ के, तो हम देख सकते हैं नीचे 61.8% का ये जो लेवल है ये सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, और ऊपर 100% का ये जो लेवल है ये यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है ये डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, डबल टॉप जो पैटर्न है उसका दो टॉप हमें मिल गया, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये फर्स्ट टॉप ये सेकेंड टॉप, और अगर ये टूवर्ड साउथ की तरफ आता है और नेक लाइन को अगर ये टूवर्ड साउथ की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ से हमें बैंक निफ्टी में फॉल दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम के चार्ट को देखें, जैसे हमने निफ्टी को देखा था और बैंक निफ्टी का भी अगर वीकली चार्ट देखें तो काफ़ी बुलिश इस समय दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये 20 EMA के ऊपर है बैंक निफ्टी, जब जब ये 20 EMA को सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक करेगा, तब तक हमें यहाँ पर लास्ट जो स्विंग हाई बनाया है वो उसको ब्रेक करने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अगर कल ये जो डबल टॉप यहाँ पर दो टॉप बनते हुए नज़र आ रहे हैं यानी 35,213 ये होगा हमारा ब्रेकआउट लेवल, इसके ऊपर सस्टेन करे तो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 35,330 और सेकेंड टारगेट होगा 35,426, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा।
और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो ये जो लेवल है अराउंड इस लेवल के आसपास, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार रेजिस्टेंस फेस किया है, ये दूसरी बार, ठीक है। तो ये हो सकता है कल सपोर्ट टेस्ट करे इस लेवल के पास पास, तो इस लेवल को अगर ब्रेक करे तो ये इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 34,795, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 34,672, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स है कल के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।